एक बार फिर से भाजपा का प्रचार शुरू हो गया है। जब मैं रास्ते से आ रहा था रोहतक के पास, मुझे जींद की तरफ मुड़ना था, तो एक दीवार पे लिखा हुआ था, फिर एक बार मोदी सरकार। मैंने अपने दोस्त को कहा, भाई गाड़ी रोक, मार्कर से इसके बगल में लिख देता हूँ जहाँ लिखा हुआ है, फिर एक बार मोदी सरकार। पहले 15 लाख ला, फिर तेरी सरकार आने की बात होगी। पहले तू हर साल 2 करोड़ नौकरी दे, फिर तेरी सरकार आने की बात होगी। पहले तू किसानों की आमदनी दुगनी कर, फिर तेरी सरकार आने की बात होगी। पहले तू हरियाणा, जिसको बेरोजगारी में तू 1 नंबर बना दिया है, यहाँ रोजगार में 1 नंबर हरियाणा को बना, फिर तेरी जो है सरकार आने की बात होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल राइटर, आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। कन्हैया कुमार कांग्रेस के वो युवा चेहरा जिन्होंने पूरे बीजेपी खेमे में हड़कंप मचा के रख दिया है। लगातार वो अपने बयान के जरिए पूरे बीजेपी खेमे के खिलाफ जो है एक अलग ही मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी तक कांग्रेस की तरफ से उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली है, लेकिन उस बड़ी जिम्मेदारी का इंतजार करते करते एक बार फिर से उन्होंने जिंद में पहुंच करके जो है अपनी तरफ से एक बड़ा बयान दे दिया है, जो पूरे बीजेपी खेमे के खिलाफ यहाँ पर एक ब्रह्मास्त्र के रूप में माना जा रहा है। क्या कुछ कह रहे थे यहाँ पर? ये जो हरियाणा के अंदर हालात पैदा हुए हैं, उसके बारे में अगर कहीं से क्रांतिकारी शुरुआत हो सकती है तो वो धरती जींद है। इसीलिए मैं धरती के तमाम माताओं, बहनों, किसान, मजदूर भाइयों और नौजवान साथियों से कहता हूँ कि इस ऐतिहासिक शुरुआत को आपको करना पड़ेगा, और आपको ये समझना होगा कि आज हम किस परिस्थिति में जाकर के खड़े हैं। आप देश के किसी भी इलाके में जाकर के घूम करके देख लीजिए, हर जगह एक बार फिर से भाजपा का प्रचार शुरू हो गया है। जब मैं रास्ते से आ रहा था रोहतक के पास, मुझे जींद की तरफ मुड़ना था, तो एक दीवार पे लिखा हुआ था, फिर एक बार मोदी सरकार। मैंने अपने दोस्त को कहा, भाई गाड़ी रोक, मार्कर से इसके बगल में लिख देता हूँ जहाँ लिखा हुआ है, फिर एक बार मोदी सरकार। पहले 15 लाख ला, फिर तेरी सरकार आने की बात होगी। पहले तू हर साल 2 करोड़ नौकरी दे, फिर तेरी सरकार आने की बात होगी। पहले तू किसानों की आमदनी दुगनी कर, फिर तेरी सरकार आने की बात होगी। पहले तू हरियाणा, जिसको बेरोजगारी में तू 1 नंबर बना दिया है, यहाँ रोजगार में 1 नंबर हरियाणा को बना, फिर तेरी जो है सरकार आने की बात होगी। हमारी सरकार नहीं है हरियाणा में, लेकिन श्रीमान भूपेंद्र हुड्डा साहब जब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, और मैं कहता हूँ खाए हुए शरीर को और नहाए हुए शरीर को गवाही देने की जरूरत नहीं होती है। अरे प्रमोद भाई को देख के कोई कह देगा कि खाए पिए परिवार से हैं? कह देगा कि नहीं कह देगा? तो कहते हैं खाए हुए शरीर और नहाए हुए शरीर को गवाही की जरूरत नहीं होती है। आप बहादुरगढ़ के जितने इंडस्ट्रीज लगे हुए हैं वहां से चलना शुरू कीजिए जींद की तरफ, आपको रास्ते में फुटबियर पार्क मिलेगा। मिलता है कि नहीं मिलता है? एशियन पेंट की फैक्ट्री मिलती है कि नहीं मिलती है? दोनों तरफ छोटे कल कारखाने मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? ये सब हुड्डा साहब का दिया हुआ है। और मैं आपको याद दिलाता हूं, 5 किलो चावल पे खुश मत होना मेरे दोस्तों। आपका हक था कि सबको 100 गज जमीन देने की भी बात है तो इस सरकार से पूछना चाहिए कि जमीन कहां है। भाजपा की बांटने वाली राजनीति को आपको समझना पड़ेगा। आपको यह समझना पड़ेगा कि भाजपा की राजनीति नफरत पर चलती है, भाजपा की राजनीति बेईमानी पर चलती है, भाजपा की राजनीति लोगों को आपस में लड़ा करके लूटने पर चलती है। दरअसल भाजपा का इतिहास इस देश से गद्दारी का इतिहास है। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महात्मा गांधी की पार्टी है, जो हंसते हंसते अपने सीने पे गोली खा लिए थे। और भाजपा का इतिहास नाथूराम गोडसे का इतिहास है, इस बात को याद रखिएगा। और इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि जिस तरीके से अंग्रेज हमारे साथ करते थे, फूट डालो और राज करो, उसी तरह से भाजपा आज कर रही है, फूट डाल रही है और इस देश पे राज कर रही है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आज 10 साल भाजपा की राजनीति को होने को है, 9 साल देश में भाजपा की राजनीति पूरी हो चुकी है, हरियाणा का चुनाव भी लोकसभा चुनाव के वक्त में होता है, लोकसभा चुनाव के ठीक बाद होता है, आज 9 साल पूरे होने को हैं। मैं सवाल आपसे पूछता हूं, और मैं
बाहर से आकर के आपको ये बात समझाने वाला नहीं हूं, आपको यह बात अपने सीने पे हाथ रख करके समझना पड़ेगा कि भाजपा यहां आकर के कौन सी राजनीति की शुरुआत की। भाजपा यहां आकर के 35 बिरादरी और 36 बिरादरी करना शुरू किया कि नहीं किया, हाथ उठा करके बताइए, किया कि नहीं किया? किया ना। तो मैं नड्डा से एक सवाल पूछना चाहता हूं, मैं देश के प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछना चाहता हूं, मैं जय शाह के पप्पा से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि दुष्यंत चौटाला को बगल वाली कुर्सी पर बिठा करके कौन सा 35 बिरादरी 36 बिरादरी कर रहे हो बे? कौन सी 36 बिरादरी 35 बिरादरी कर रहे हो? खेला करते हो? खेला? अरे झूठा, बेईमानी करते हो? मैं आपसे कहता हूं और आप सोच करके इस बात को बताइए, जहां धर्म होगा वहां हिंदू मुसलमान करेंगे और जहां मुसलमान नहीं होगा वहां 35 बिरादरी 36 बिरादरी करेंगे? ये मन में आप सोचिए और विचार कीजिए। अगर मैं गलत हूं निकालो रस्सी लगाओ फांसी पे, अगर तुम गलत हो तो लोकतंत्र में तुम्हारी बेईमानी का भी एक एक हिसाब लिया जाएगा। इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखना कि इस देश के अंदर जब लोग न्याय की बात करते हैं, जब लोग अपने हक की बात करते हैं, जब किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात करते हैं, जब नौजवानों को 2 करोड़ नौकरियों की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, इस देश में गरीबी को कम करने की बात करते हैं, तो आप उसको देशद्रोही बोलते हैं। और आपके बंटवारे की राजनीति में अगर कोई शामिल हो जाए, कोई धर्म के आधार पर देश को जो लड़ाने की राजनीति है उसका हिस्सा बन जाए, जो समाज को जात के नाम पे लड़ाने की राजनीति है उसका हिस्सा बन जाए, तो जब बाहर थे तो विरोधी थे और आपके बगल में आकर के बैठ गए तो माला पहनाते हो रे बेईमान। अरे कौन सा ऐसा वॉशिंग मशीन है रे कि जब कांग्रेस में रहता है तो चोर होता है और तुम्हारा पार्टी में जाकर के ईमानदार हो जाता है रे झूठा? देश को ठगते हो, देश को ठग के बेईमानी करते हो। तो हमको एक सवाल का जवाब दीजिए, 35 बिरादरी 36 बिरादरी कहते हैं और नारा लगाते हैं सबका साथ सबका विकास। अगर सबका साथ सबका विकास नारा है तो हरियाणा में 35 बिरादरी 36 बिरादरी कौन कर रहा है? भाजपा इस सवाल का जवाब दे, ये सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। और मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि हरियाणा के इस तरफ पानीपत में सोनीपत में 35 बिरादरी 36 बिरादरी, यमुना जी के उस पार 35 बिरादरी 36 बिरादरी नहीं? बोलिए सोच करके, यहाँ वोट चाहिए वहां वोट नहीं चाहिए, और वहां वोट चाहिए और यहाँ वोट नहीं चाहिए? नदी पार करते हुए ही बेईमानों का ईमान बदल जाता है। यमुना के पार अलग राजनीति बागपत में, और यमुना के इस पार सोनीपत में अलग राजनीति। इस खेल को हरियाणा के लोगों को समझना पड़ेगा, इस खेल को जींद के लोगों को समझना पड़ेगा। और याद रखिएगा, जब जब नींद से उठता है जींद, तब तब आती है हरियाणा में बदलाव और हरियाणा में आती है क्रांति। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करने के लिए आया हूं कि आपको समझना पड़ेगा कि देश के भीतर जो सच्चाई है वो हकीकत हमको अपनी आंखों से देखना पड़ेगा। क्या नारा लगाए थे? बहुत हुआ महंगाई का मार, अब की बार मोदी सरकार, तो सिलेंडर 1200 रुपया में इनका चचा बेच रहा है, बताइए। पेट्रोल डीजल 100 रुपया लीटर मिल रहा है। क्या नारा लगाए थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे? 9 साल हो गया है, अभी टीवी पर प्रचार आएगा 9 साल बेमिसाल। तो मैं देश के नौजवानों से कहता हूँ, हरियाणा के नौजवानों से कहता हूँ, 9 साल देश बेहाल, पूछो कि 9 साल में 18 करोड़ नौकरी क्यों नहीं है? यह सवाल प्रधानमंत्री से पूछना जाना चाहिए। और आपने कहा था ना कि किसानों की आमदनी हम दुगनी कर देंगे, किसानों को 1 साल तक इस दिल्ली के बॉर्डर पे जाकर के आंदोलन करना पड़ा था, सैकड़ों किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और ये जिसका जिसका नाम लेते हैं ना उसके उसके साथ बेईमानी करते हैं। 9 साल दोस्त बेमिसाल, 9 साल देश बेहाल, यह सच्चाई देश के लोगों को समझना पड़ेगा। पहले किसानों को ठगा, फिर जवानों को ठगा। बोलिए अग्निवीर आया है कि नहीं आया है? आया है ना।
तो एमपी बनेगा 4 साल के लिए, आग्नि एमपी बनेगा 5 साल के लिए, आग्नि बनेगा 4 साल के लिए। बोलिए बेईमानी है कि नहीं है। कन्हैया कुमार का आपने ये बयान सुना, बयान सुनने के बाद आप लोग की क्या तर्क है कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।